चीलों के एक झुंड ने अदृश्य मानव को पूरी तरह घेर लिया था। गौर से देखें इस फुटेज को, आप लोग भी हैरान रह जाएंगे। स्वीटी, काश हम भी मिल पाते इस इनविजिबल हीरो से, इसको क्या हुआ? पता नहीं। मेरे से ना कंट्रोल नहीं हो पा रहा। तेरी बहनें इतनी स्मार्ट है लेकिन उनको पता ही नहीं कि उनका भाई ही हीरो है। पंटू क्या कर रहा है, मरवाएगा क्या? ओके ओके ओके, ठीक है अब बता आगे क्या करना है। इंतजार। असुर होकर किसी कायरो की तरह बात करते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें दंश? अपने दुश्मन को तुमसे ज्यादा जानता हूँ मैं। तुम्हारा दुश्मन? इस लड़ाई को व्यक्तिगत मत बनाओ दंश। व्यक्तिगत ही है ये लड़ाई और बदला भी मैं ही लूंगा। अंगूठी धारक केवल चुनौती की भाषा समझता है, उससे कैसे निपटना है मुझे पता है। मुझे पता है क्या करना है। इससे पहले कि ये मुझ तक पहुंचे मैं इन्हें फिर से चैलेंज करूंगा, वो भी कल के कल। आज चाहे वो छिप जाए, कल वो बाहर आएगा, मुझे चुनौती देगा। पर इस बार मैं उससे एक कदम आगे रहूंगा। तेरी तो पूरी क्रेन पे चढ़ गया यार। भैया अगर हीरो की लाइफ में फिल्म बनेगी ना तो उसका रोल तो आपको ही मिलना चाहिए। बट भैया इतना क्रेजी स्टंट फंट आप मत करने लग जाना, इट्स वेरी डेंजरस। हां हां, मेरा दिमाग खराब है क्या जो मैं इतना रिस्की स्टंट करूंगा? गुड है ना बंटू? हां बिल्कुल बिल्कुल नहीं करेगा। सवाल अभी कई सारे कि जैसे हीरो के हाथ में जो बॉक्स है उसमें है क्या, और वो हाथ हिलाकर इशारे किसे कर रहा है? हां मामा जी, अभी आता हूं मामा जी। ओके मामा जी। बंटू हां, मामा जी ने बुलाया है सेट पे, कुछ इंपॉर्टेंट काम है, चल चल चल। क्या लगता है एलियंस को जो चारा डाला है उन्होंने खा लिया होगा कि नहीं? मेरा चैलेंज उन्हें मिल गया बंटू, 100%। अपमान तो छोड़ो, मजाक बन चुका है हम असुरों का। तभी तो हमें एक और अवसर मिला है विचल। अर्थात मेरे पास एक योजना है अंगूठी धारक को पकड़ने की। देखो इस समय सबकी नजरें दंश पर हैं, पर हम दोनों आ गई। एकांत अलोमा जी, हमारे पास एक योजना है। उसमें दंश की कोई भूमिका नहीं है। हाँ तो योजना ये है कि एक शब्द भी और बोला तो तुम्हारा भी वही होगा जो व्योम का हुआ था। क्षमा अलोमा जी। नहीं नहीं, संदेश रिकॉर्ड करना चाहते हैं? ये गुप्त समाचार है अलोमा की ओर से महामहिम असुर श्रेष्ठ के लिए। दंश अपने लक्ष्य के ओर निकल चुका है और उस पे कोई भरोसा नहीं, इसीलिए अंगूठी धारक से अंगूठी मिलते मैं आपके आदेश अनुसार उसे खत्म कर दूंगी। संदेश भेजें। धमाकेदार, एकदम माइंड ब्लोइंग हॉलीवुड का बाप, उस लेवल का स्टंट चाहिए मुझे, समझा ना तू? बिल्कुल मामा जी। अरे हीरोइन की एंट्री है, जब तक बहनें सीढ़ी नहीं बजाएंगी तब तक फायदा क्या? सही बात है। और सुन, हाँ ये जो है ना ये सेटअप, यहाँ मैंने सेटअप लगाया पूरा। तू सोच, गुंडों ने हीरोइन को यहाँ किडनैप करके रखा हुआ है। वाह ठीक है, और अपना हीरो जो है रॉकी वो आ रहा है उसको बचाने के लिए। वाह, लेकिन हमारी हीरोइन वो आज की हीरोइन है। वाह,
वो हीरो पे डिपेंडेंट ही नहीं है। क्या बात है, वो अपने दम पे अपने आप को बचाना चाहती है। Amazing. नारी शक्ति। क्या क्या सोचा है मामा जी, है ना? Call power. Amazing. Thank you, thank you, thank you. मेरी फीमेल फाइटर फ्रेंड है, वो कर लेगी ज़ारा का बॉडी डबल। यार ये एस्केप स्टंट ज़ारा खुद करेगी, वही तो हाईलाइट है। क्या बात है। और उसे ट्रेन करेगा तू? मैं मैं मामा जी मैं ट्रेन करूंगा सारा को। हाँ, दा, 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 दा। सब कुछ रेडी है बेटा, तो शुरू हो जा। मामा जी आज से? आज से नहीं, अभी 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 से। मामा जी अब हम परसों से नहीं कर सकते, एक्चुअली मुझे ना थोड़ा जरूरी काम है। मेरी फिल्म अपने भाई रॉकी, उसका लॉन्च, उससे ज्यादा जरूरी तेरे लाइफ में और क्या हो सकता है यार? नहीं नहीं मामा जी आप टेंशन मत लीजिए, मैं करता हूँ सारा को ट्रेन। ऑल द बेस्ट। जी मामा जी। रॉकेट। इसकी टाइमिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो गई ना? हाँ यार, वहां उन एलियंस को चैलेंज कर दिया कि पकड़ सको तो पकड़ लो, पर यहाँ अभी तो कुछ सोचा ही नहीं है कि करना क्या है। यार अगर हम लोग यहाँ फंस गए तो वहां की प्लानिंग कैसे करेंगे? परी लग रही है ना सारा। सिर्फ विंग्स बाकी है। हाँ हाय रेडी। अरे रेडी, अरे स्टंट को लेकर अगर कोई सबसे रिस्पॉन्सिबल है ना तो ये। रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते निभाते कहीं फिर से गायब तो नहीं हो जाओगे ना? ज्यादा सही कह रही है तू, आजकल ज्यादा गायब तो नहीं हो रहा ना बंटू? स्टंट ट्रेनिंग में तेरा क्या काम है? तू निकल यहाँ से, तू जा। अरे 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 कबाब में हट। हरियाली 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 कबाब खाने वाला हूँ मैं लंच के लिए, तुम लोगों को कुछ चाहिए क्या? बाबा हाँ, तू लंच लेके आ, मैं तब तक ज़ारा को स्टंट की ब्रीफ देता हूँ। तो मास्टर जी बताइए क्या करना होगा मुझे? ये असल की लोकेशन कुछ और है, पर आज हम इस सेटअप में प्रैक्टिस करेंगे। ओके। तो ज़ारा कुछ नहीं करना है तुम्हें, यहां से भागते हुए आना है इस बार की तरफ, ऑलमोस्ट स्प्रिंट करते हुए जंप करके इस बार को पकड़ना है, और यहां से क्लाइंब करके सीधा तुम्हें इस बार पे चढ़ना है, और फिर यहां पे भागते हुए भागते हुए भागते हुए भागते हुए इमेजिन कि यहां पर एक दीवार है जिस पर तुम्हें चढ़ना है, इस दीवार पे तुम्हें क्लाइंब करना है, टिक 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 टिक, और इस बिल्डिंग की छत से तुम्हें फिर सीधा जंप करना है। इजी। ये सब मैं करूंगी? Are you kidding me? अरे बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है ज़ारा, तुम कर लोगी। ये सब कुछ एक साथ करना है इम्पॉसिबल। मैं करके दिखाता हूँ। ओके। मेरे चीते, सारा ये वेव करना कहां से सीखा तुमने? न्यूज में देखा ना,
जैसे वो हीरो करता है। नहीं नहीं नहीं, चलो चलो, रेडी रेडी रेडी। कर लोगी ज़ारा, तुम ट्रस्ट मी। रियली? हाँ, एक काम करते हैं, शुरू हम सिंपल से करते हैं। सबसे पहले हम सिर्फ जंप करेंगे और होल्ड करेंगे। जंप एंड होल्ड। ज़ारा, वो हीरो के बारे में क्या कह रही थी तुम? बड़ा इंटरेस्टिंग बंदा है ना। ओ प्लीज, नकली सुपर हीरो कहीं का। मुझे तो लगता है वो तुम्हारी और मेरी तरह एक नॉर्मल इंसान ही है। कुछ ट्रिक्स आते होंगे उसको, इसलिए लोगों को बेवकूफ बना रहा है। पर उसको वो नाम हीरो, वो तो तुमने ही दिया था ना। हीरो तुम्हारी वजह से तो वो वायरल हुआ था, ऐसा मैंने न्यूज में देखा था। न्यूज वाले कुछ भी दिखाते हैं, उसके पीछे एक साइन बोर्ड था, वहाँ हीरो लिखा था, मैं वहाँ पॉइंट आउट कर रही थी। किसी जर्नलिस्ट ने उसको न्यूज ही बना दी। शुरू शुरू में ना थोड़े सपोर्ट की जरूरत होती है, मैं तुम्हें लिफ्ट करने में हेल्प करता हूँ। करूं? नहीं, स्टूल ले आओ। मजाक कर रही थी वीर, उठाओगे नहीं तो कैसे होगा, ट्रेन कर रहे हो ना मुझे। हाँ। सारा, क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं। ओके, रेडी? 1, 2, 3, जंप। एक बात पूछू, तुम हीरो के बारे में जैसे बात कर रही हो, पहले मिल चुकी हो क्या? है ना? कौन है? मैं हूं। नहीं तो मैं नहीं मिली तुम्हारे हीरो से। आप चलो हम ट्राई करते हैं। 1, 2, 3 and jump. And leave. Very nice. तुमने बहुत अच्छा किया ज़ारा। अब चलो रैंप वाला करते हैं। आ जाओ। मैंने तुम्हें हार्नेस बांध दिया ज़ारा। अब डरने की कोई जरूरत नहीं। हम नर्वस वीर, मुझसे नहीं होगा। होगा ज़ारा, मैं हर एक स्टेप पे तुम्हारे साथ हूँ। Don't worry. अच्छा है। चिप चिप कर संदेश भेजने की जरूरत नहीं है। योद्धा हूं पर इतनी राजनीति तो मैं भी जानता हूं। अंगूठी मिलते ही तंज को खत्म कर दो ताकि भविष्य में उससे कोई खतरा ना रहे।
कोई फर्क नहीं पड़ता दंश, तुम जानो या ना जानो, अंगूठी तो तुम्हें लानी होगी। इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है, इसलिए बेहतर होगा तुम अपना और मेरा दोनों का वक्त बर्बाद मत करो और असुर कुल के प्रति अपना कर्तव्य निभाओ। राजनीति और रणनीति में एक समानता होती है, हार को जीत में बदलने के लिए सही समय पर वार। इसलिए तुम मुझे मेरा कर्तव्य मत समझाओ और अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दो। ये क्या है? ब्लाइंड फोल्ड, इसे तो मैं अपनी आंख पे बांध के चलना होगा। What? क्या हुआ, डर क्यों रही? वीर, मैं स्टंट, स्टंट गर्ल नहीं हूँ। मेरी बात तो सुनो जरा, तुम पहली बार इतनी हाइट से स्टंट परफॉर्म कर रही हो, नीचे देखोगी डर जाओगी, डिसबैलेंस हो जाओगी, आंखें बंद रहेंगी तो तुम्हारा सारा कॉन्सेंट्रेशन तुम्हारे फुटस्टेप पे रहेगा, इसलिए ये ब्लाइंड फोल्ड है। ओके। बस याद रखना, ब्रीथ एंड मूव अहेड। जब तक तुम्हारा बैलेंस नहीं बन जाता, तुम्हें इस रैंप पे चलने की प्रैक्टिस करनी होगी। डोंट वरी सारा, जस्ट ब्रीथ एंड मूव फॉरवर्ड। मैं यही हूं सारा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। ओके। चलो अब अपना लेफ्ट लेग आगे करो, ऐसे, वेरी गुड। अब अपना राइट लेग, बिल्कुल सही। अब ऐसे ही सेंटर को मेंटेन करके आगे बढ़ती रहो। अब ऐसे ही मूव फॉरवर्ड, फोकस जरा। मेरे पेट में गुदगुदी हो रही है, मैं गिर जाऊंगी तो? अरे गिर जाओगी तो नीचे गद्दे है ना। ओह गॉड। अरे तुम नहीं गिरोगी जारा, मैं तुम्हें गिरने थोड़े ना दूंगा। वीर, आई एम स्कैर्ड, मुझे डर लग रहा है। इसको रिस्ट्रैक्ट करना होगा किसी तरह। क्या जारा, तुम इतनी सी हाइट से डर गई? हीरो को देखो, कितनी हाइट पे क्रेन पे चढ़ा हुआ था। कुछ तो बात होगी ना बंदे में। अच्छा हाँ, कितने अच्छे काम भी तो किए उसने। व्हाट रबिश, ब्रिज तोड़ दिया, अच्छा काम है वो। अरे उसने नहीं तोड़ा। तुम्हें कैसे पता? उसने आके बताया तुम्हें, या फिर तुम ही हो हीरो? नहीं नहीं नहीं, मैं तो गेस कर रहा था। पहले ब्रिज पे नाम लिख दिया, फिर नाम मिटा दिया, फिर स्माइली बना दी। वी डोंट यू सी, हंस रहा है वो हम पे। तुम पे नहीं हंस रहा है, आई मीन हम पे नहीं हंस रहा है, वो एलियंस पे हंस रहा है शायद। एलियंस? हाँ, न्यूज़ पे, सोशल मीडिया पे। देखा नहीं तुमने, वो जो दो हुडी वाले थे जिन्हें हीरो ने धोया था, सब कह रहे थे कि वो एलियंस है। मेरे ख्याल से हीरो उन्हें चैलेंज कर रहा था, उन पे हंस रहा था। ओके, अगर तुम्हारी थियोरी वाकई में सच है ना, तो फिर हीरो को एलियन को ही पकड़ लेना चाहिए ना। ये स्माइली वाली बनाने से क्या होगा, पकड़ ले एक एलियन को और सुलझा ले अपना झगड़ा। ये बात हीरो के दिमाग में क्यों नहीं आई? अरे फैन बन रहे हो तुम हीरो के? एक एलियन को तो पकड़ ही सकता है वो। ठीक हो ना? ओके जारा, तुम रेस्ट करो, बाकी का कल करते हैं। ओके, कितने दिन की ट्रेनिंग है? 15 दिन। 15 दिन?
तुम बताओ कितने दिन करना है, 10 दिन 12 दिन 13 दिन? नहीं नहीं नहीं, 15 दिन तो 15 दिन, मुझे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना ट्रेनिंग में। वेरी गुड। वीर, तूने तो कहा तू 5 दिन में कंप्लीट कर देगा। मैंने कहा था, पर सारा का कमिटमेंट देख के मैंने स्टंट को बड़ा कर दिया है, इसलिए हमें ज्यादा रिहर्सल करनी होगी सारा। तो ठीक है सारा, फिर मैं चलता हूँ, बाय। चल घंटू। वीर, वीर, वीर। वैसे कोई असली का हीरो नहीं है तुम्हारा इनविजिबल मैन, इसलिए तुम लोग उसे हीरो बनाओ भी मत। थिंक अबाउट इट। जो आइडिया तुमने दिया है उससे वो हीरो असली का हीरो तो बन ही जाएगा। आप समझा तू क्यों मैं जारा से वो करता हूँ? प्यार तो बोला जाता नहीं है इनसे। तेरी भाषा में बोलूं तो BWB। बोले तो ब्यूटी विद ब्रेन। क्या आइडिया दिया है जारा ने? अरे एक नंबर, मान गया यार। फिल्मों में देखा था कि एलियंस आके इंसानों को उठा के लेके जाते हैं, पर ऐसा पहली बार होगा कि इंसान एलियन की किडनैपिंग करेगा। पता प्लान क्या है? मैं इस बार फिर से उन्हें चैलेंज करूंगा, वो मेरे पीछे आएंगे और मौका मिलते मैं उन्हें दबोच लूंगा। MAT, मिशन एलियन दबोच। एक बार ये मिशन सक्सेसफुल हो जाए बंटू, फिर मैं पापा के और करीब पहुंच जाऊंगा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज। Thank you.